मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ की परंपराओं के हिसाब से रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। इसलिए मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में माने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह माने ठूस ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, रेलवे की जनरल बोगियों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। तीन तीन महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, तीन तीन महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे, ये इसका क्या फ़ायदा महोदय। इसलिए हम तो कहते हैं कि हम लोग तो देखे हैं, हम जब जनरल बगी में भी सफ़र किए हैं हम लोग, कि तीन महीने का वेटिंग है, लेकिन आप ब्रोकर को कहिए आपको शाम का जो है कंफर्म करा देगा। तीन महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे, सर ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो सर सर ट्रोकर नहीं जाए, गड़बड़ा जाऊंगा मैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस पर सरकार को, विभाग को सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइफ लाइन है, तो किसकी लाइफ लाइन? इलीट क्लास की लाइफ लाइन कि आम आदमी की लाइफ लाइन? आम आदमी की लाइफ लाइन बनाइए रेलवे को, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, ये होगा। और मैं समझता हूं कि निजीकरण पर रोक लगेगा तभी नौकरियां भी मिलेंगी। जो रेलवे विभाग में रिक्त पद हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी भरे, ये हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से। और जो सरकार ने सीनियर सिटीजन का 30% छूट जो रेलवे में यात्रा में मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है सर, उसको चालू किया जाए। और जो ट्रैक मेंटेनर जो हैं उनको, उनका जो है 4200 रुपया ग्रेड पे तक पदोन्नति किया जाए। और जो गेटमैन हैं उनका ड्यूटी का आवर 8 घंटा किया जाए सर। ये हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और हमारी मांग है कुछ है, आरा में जो है पूर्वी रेलवे गुमटी, उस पर प्रस्तावित है फुट ओवर ब्रिज। 52 गांव का तापा है संदेश ब्लॉक में, और गोढ़ना रोड है, ये मिल रोड है, वहाँ के व्यापारी मैंने कहिए कि बंद हो जाने से गुमटी भारी परेशानी में है, बैठकर दुकानों पर माछी मारते हैं, उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। ये प्रस्तावित है ओवर ब्रिज, इसलिए आपके माध्यम से
सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए और आरा सासाराम जो रेल लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाए और आरा भभुआ रोड से मुंडेश्वरी स्थान तक का जो रेलवे लाइन बनना है जिसका सर्वे भी हो गया है उसको शुरू करवाया जाए सर। और राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं हम लोग के यहाँ, उसका स्टॉपेज दिया जाए। और अंत में बात ये कहेंगे सर कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद कर दी गई हैं उनको शुरू किया जाए या जिन स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है उसको फिर से चालू किया जाए। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, आपने मौका दिया। धन्यवाद जी।